राजधानी भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हाथी घोड़ापाल की जय कन्हैया लाल की का जय घोष राजधानी में चारों ओर सुनाई दे रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कृष्ण भक्ति, जन्माष्टमी पर किया भगवान कृष्ण का पूजन। शिवराज ने विश्वास के साथ किया श्री कृष्ण पूजन। जन्माष्टमी पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। लोग मंदिर पहुंचकर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोपाल के प्रसिद्ध बरखेड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी उत्साह से जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तों ने जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की है। इस मंदिर में आते हर जन्माष्टमी, क्या ऐसा खास लगाव है इस मंदिर से? ये भोपाल में कृष्ण भक्ति का केंद्र है। मैं संतोष जी को, पूरे यादव समाज को, योगी जी और सभी व्यवस्थापकों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे हमेशा यहां आने का सौभाग्य मिलता है। आज जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कन्हैया आप सब पर कृपा की वर्षा करे। वैसे भी उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊँगा। और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। आज इस आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साथ में हम भी ये सोचें कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अन्याय सहना भी पाप है, और इसलिए अगर कहीं अन्याय होता, जैसे कोलकाता में बेटी के साथ जो कुछ हुआ, वह हम सबके हृदय को व्यथित कर गया। उसके खिलाफ सरकार तो कार्रवाई करेगी, लेकिन समाज से भी आवाज उठनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ सदैव हम आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी सभी राज्यों को कहा है कि बहन और बेटी की रक्षा के लिए सब राज्यों को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हम भी अपनी माँ, बहन और बेटी के सम्मान को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ समाज भी जुटे। कन्हैया के चरणों में प्रणाम। राधे कृष्ण भगवान की जय। इस अवसर पर भारी संख्या में कृष्ण भक्त मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।